हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ओपन डाइस का सेकंड पार्ट थ्री कंसेक्यूटिव सरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा था कि ओपन डाइस यानी डाइस को खोलने के हमारे पास दो तरीका था, एक फोर कंसेक्यूटिव सरफेस के अकॉर्डिंग और थ्री कंसेक्यूटिव सरफेस के अकॉर्डिंग। और इन्हीं दो सरफेस खोलने के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने टोटल फाइव टाइप्स के डायग्राम बनाए थे, जिनमें से दो का यानी फोर कंसेक्यूटिव सरफेस का हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। आज हम थ्री कंसेक्यूटिव का देखेंगे, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे थ्री कंसेक्यूटिव को खोलने के बाद उसे हम एक पार्ट को फैक्टर में लाते थे और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए, थ्री कंसेक्यूटिव सरफेस कहने का मतलब क्या था, तीन लगातार सतह, और इसके अकॉर्डिंग हमने मिनिमम तीन डायग्राम बनाए थे। तो पहले दो को हम यहां समझते हैं। देखिए, ये कुछ है और एक और बना लीजिए, इसमें भी आपने देखा था कि दो तरह के डायग्राम खोले जा सकते हैं। ये देखो, ठीक, यानी कि अब थ्री कंसेक्यूटिव में हमने एक सरफेस को ब्रेक किया था, ऐसे कुछ था कि खोलने के बाद ओवरऑल हमारे पास सिक्स सरफेस दिखनी चाहिए। ये देखना, सॉरी, इसको हमने स्क्वायर शेप में ब्रेक किया था, ये कुछ था। क्लियर है? अब देखना, थ्री कंसेक्यूटिव में हम इन दो पार्ट को एक साथ पढ़ेंगे और तीसरे वाला पार्ट को अलग से करेंगे। देखना, इस केस में, क्या करना है कि वापस हम इसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं, ए बी सी डी ई, यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दिया, 1, 3, 2 एंड 4 एज इट इज, इसमें भी डाल दो, यहाँ डालिए ए बी सी डी एंड ई, इसमें कुछ वैल्यू डाल दो, ये हो गया 1, यहाँ 3, 2 एंड 4। क्लियर है? अब हमारे पास ये ओपन डाइस का क्वेश्चन होगा, इससे हम रिगार्डिंग हमारे फिर सॉलिड डाइस बनाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा सही तरीके से मोड़ा गया है। लेकिन उसे बनाने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा इसका अपोजिट रूल क्या है, क्योंकि जब तक अपोजिट रूल नहीं पता होगा हम क्वेश्चन नहीं बना पाते। तो अपोजिट रूल कैसे निकालेंगे, ये देखना, एक से चलेंगे, आपको पता है कि कंसेक्यूटिव में लगातार चलते हैं, ए से चले, बी को छोड़ो, सी इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? अब बी से अपोजिट जा नहीं सकते, तो डी से चलो, चाहे इस केस में या इस केस में, तो डी के अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, ई। समझाया? अब देखना, अब बचा नेक्स्ट सरफेस हमारे पास पी। अगर मैं इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूं तो इन सारे डायग्राम को इस तरह से ऐड कर देंगे, ये देखना, और इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूं तो बी के अपोजिट ये वाला डायग्राम बनके तैयार होगा। क्लियर है? लेकिन अब यहां पे जो टुकड़े हैं इसे जोड़ने का एक रूल होता है। रूल क्या कहता है कि जैसे हमें बाकियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब इस टुकड़े को जोड़ा गया तो देखा गया कि कुछ लोगों ने, जैसे बाय द वे हमें पता है कि चार टुकड़े, कोई लोगों ने ऊपर वाले ने जोड़ दिया, फिर इधर वाले को जोड़ा, फिर इधर, कोई इधर, तो कई लोगों ने इसको जोड़ा, फिर ऐसे जोड़ा, फिर ऐसे जोड़ा, तो इस तरह से देखा गया कि टुकड़े को जोड़ने का बहुत सारे तरीका बन रहा था, जिससे जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना एक सर्टेन पर्सन यानी स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं बन पा रहा था। तब एग्जामिनर ने कहा कि नहीं, अब आप इस टुकड़े को तो जोड़ेंगे चाहे जैसे भी करें, लेकिन इसके एक सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे। वो रूल क्या था कि इन टुकड़ों को आप या तो क्लॉकवाइज जोड़िए या फिर एंटी क्लॉकवाइज के पैटर्न पे ही जोड़ेंगे। आप रेंडम नहीं जोड़ सकते कि मेरा मन किया पहले इसे जोड़ दो, फिर इसे जोड़ो, फिर इधर वाला जोड़ो, इस तरह से प्रोसेस में अगर है तो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखना कि इसे आप या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से आप जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब, अगर जहां मर्जी हो आप एक से स्टार्ट कर लीजिए, एक से स्टार्ट करो तो सेकंड वाला तीन है तो यहाँ पे तीन ही आनी चाहिए, इस तरह से क्लॉक में जाऊं या तो इस वाले में जाऊं। क्लियर? ये मैंने जानबूझ के लिखा था, एक के बाद तीन, दो चार लिखता एक दो तीन चार तो समझ में नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे देखना क्लॉक वाइज जाने का मतलब एक के बाद तीन, फिर आप यहाँ पे दो लिखेंगे, फिर चार, ये पैटर्न होना चाहिए। अगर ये पैटर्न नहीं है तो आंसर गलत हो जाएगा। इस वाले केस में जहां से मर्जी स्टार्ट हो, जैसे कि मैंने दो से स्टार्ट कर लिया, कोई फर्क नहीं है, दो के बाद जाओ, फिर हमारे पास चार होगा, फिर एक होगा, फिर तीन होगा। अगर ये पैटर्न नहीं है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। समझ में आया? और इस पैटर्न पे बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद क्वेश्चन, बस इस समझिएगा। यानी कि मैं इसको इस तरह की बात करूं, अगर आपने कह दिया कि इसके अंदर आप ऐसे पैटर्न बना दो 1, 2, 3, 4, तो ये गलत है, ये ना तो क्लॉकवाइज है ना ही एंटी क्लॉकवाइज। एक के बाद देखना दो दे दिया, यानी ऊपर मोड़ा फिर नीचे मोड़ा, फिर तीन को मोड़ा, फिर चार को मोड़ा, तो इस तरह के पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता है। हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो ध्यान में रखें, अगर ये पैटर्न है तो ये गलत हो जाएगा। एज इट इज इसकी बात करूं, इसमें भी अगर आपने इस तरह से बना दिया, कहीं से भी ले लो 1, 2, 3, 4, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि टुकड़े का जुड़ाव या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि आप क्लॉकवाइज को पैटर्न फॉलो कीजिए, ज्यादा बेटर है। तो देखिएगा, अभी एक के बाद, यानी कि पहले उन्होंने ये वाला टुकड़ा जोड़ा, फिर नीचे वाला जोड़ा, फिर इधर वाला जोड़ा, फिर ऊपर इस साइड वाला जोड़ा, तो इस तरह के पैटर्न माने गलत माने जाते हैं।
संज्ञा। तो ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है आपके थ्री कंसेक्यूटिव सब्जेक्ट्स के लिए, क्लियर। अब इसी पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ जो इससे पूछे जाते हैं। इसमें भी आपके पास मिसिंग क्वेश्चन होगा, इसी में आप डबल मिसिंग, थर्ड ट्रिपल मिसिंग, जो मर्जी मिसिंग है वो सारे टर्म्स हम कर सकते हैं। तो पहले मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन बना देता हूँ, फिर सेकंड वाले पे चलते हैं। देखो यहाँ पर ये देखना, एक क्वेश्चन से पहले समझ लो फिर हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब इसी से हमने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया और आपके पास चार डाइस दिखाई देंगे सॉलिड बना के, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा है, और इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन वो बना डालते हैं। देखिए सी, और एक डायग्राम बना दो डी, ये है। अब इसमें आप देखना, मैंने अगर यहां पे पैटर्न डाल दिया, ये देखो एक दो तीन चार, और यहां डाल दिया ए और डी, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस थे। और यहां मैंने डाल दिया ए डी ई, और सी में डाल दिया मैंने बी एक तीन दो चार, और यहां डाल दो ई। नेक्स्ट वाले में चलिए, यहां पे डाल दिया मैंने तीन दो एक चार, यहां डाल दो ई, यहां डाल दो ए, ठीक है। अब आपसे पूछा गया तो बताइए इनमें से कौन कौन सा सही। ये देखिएगा, ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस के क्वेश्चन है और इसमें भी मल्टीपल चॉइस भी होता है, देखिएगा। यानी कहने का मतलब ये ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें भी ऑप्शन बनाया गया था एक नंबर ऑप्शन ए एंड डी, इस तरह से बनाया गया था, ए एंड बी इस तरह से बनाया गया, फिर सी में, थर्ड में बना दिया गया ओनली ए, और फोर्थ में बना दिया गया ओनली बी, ओनली ए और ओनली डी। तो जरा समझ के समझना, नहीं तो ये चीजें गलत हो जाएगा कि आप आंसर गलत दे बैठेंगे। अब इस केस में अगर मैं बात करूं तो लोगों को लगा कि इस केस में देखने का कि ए के सामने सी नहीं है सही है, और डी के सामने ई नहीं है सही है, इस पैटर्न के सामने बी है, लोगों ने इसे सही मार दिया क्योंकि पैटर्न के सामने बी नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे चीजें देखना कि पैटर्न का जो ओरिएंटेशन है वो जो घुमाया गया वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट करता मैं एक के बाद तीन आना चाहिए, लेकिन उन्होंने दो का इस्तेमाल किया, तो इसलिए ये वाला पॉइंट गलत हो गया। कई बच्चों को इसे सही लगा, उन्होंने ए ऑप्शन लगा दिया, क्यों अभी फोर्थ भी सही होगा, चेक करते। यहाँ देखना डी के बाद बोला गया ई सामने नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, तो ये भी गलत है। इस वाले में बात करें तो पैटर्न को पहले चेक कीजिए, देखना एक तीन, एक के बाद तीन, फिर दो चार, पैटर्न सही है, ई के सामने भी डी नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ये पैटर्न आ किसके गया सामने, बी के सामने, इसलिए ये गलत, तो ये गलत। पैटर्न सही है लेकिन बी के सामने आ गया, क्योंकि रूल कहता है ये अपोजिट होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब इस वाले में बात करें तो पहले पैटर्न चेक करो, दो से स्टार्ट करें, दो के बाद हमारे पास एक है, एक मिनट रुक जाइए, दो चार, चलो इसे थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं, तो नहीं तो सारे ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। दो चार, इसे यहां डालिए, ये देखो दो चार एक तीन, ये लो सही है। अभी इस केस में देखना, दो के बाद अगर मैं बात करूं, दो के बाद चार है, एक और तीन है, बिल्कुल सही है, पैटर्न भी सही है, ई के सामने ना तो डी है वो भी सही है, और ए के सामने सी नहीं है तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर डी चला गया। अब इस केस में देखिएगा, बच्चों का क्या मानना था कि कई लोगों ने इसे सही मार दिया और डी तो सही था ही, तो ये ऑप्शन लगा दिया, बट ध्यान में रहिएगा ये सही होता अगर इसका पैटर्न सही होता, सिर्फ पैटर्न के कारण ये गलत हो गया, आंसर हमारा डी चला जाएगा। तो इस बातों को ध्यान में लेके चलेंगे तो ही आंसर बनके तैयार हो गया। ये तो मैंने ट्रायंगुलर शेप का बताया, और एक मैं आपको स्क्वायर शेप का बता देता हूँ, वो चीजें देखें आ जरा। देखो अब मैं एक स्क्वायर का भी क्वेश्चन बना देता हूं, ये हमारे पास स्क्वायर शेप का एक क्वेश्चन हो गया, यहां से यहां तक मैंने इसे तोड़ दिया, ये लो इसके अंदर आप कुछ भी भर लीजिए, जैसे मैंने बोल दिया हैश बोल दिया डॉलर एरो ट्रायंगल सर्कल, यहां पे भर लीजिए आप जो भी मर्जी वो भर सकते हैं, कि मैंने यहां पे डाल दिया वन टू थ्री मान लीजिए, यहां पे मार दिया मैंने फाइव मान लिया, यहां एट मार दिया, यहां नाइन मार दिया, यहां पे मैंने सेवन मान लिया, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी दो। और यहाँ पे मैं चार ऑप्शन आपके लिए फिर से बना देता हूँ, एग्जामिनर आपके लिए बना देगा इस तरह से चार ऑप्शन ए बी, यहां सी मान लीजिए। अब इसमें भी मिसिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, उसे भी चेक करेंगे, और इसमें डी, क्लियर है। और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स भर देता हूं मैं, ये देखो यहां पे मैंने भर दिया कि फाइव सेवन एट नाइन, और ये डाल दिया हैश, और ये डाल दिया ट्रायंगल, इसमें डाल दिया मैंने हैश डॉलर सर्कल, इस वाले में मैंने डाल दिया
देखिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका, इसका मैंने बारह डाल दिया 8975 और यहाँ डाल दो आप ट्रेंगल और हैश, इस वाले में आप डाल दीजिए कुछ भी डाल दीजिए हैश डॉलर एंड एरो, क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है बताइए इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत, हो सकता है आंसर एक से अधिक हो या फिर कम भी हो। अगर मैं पहले वाले को चेक करूं तो देखिएगा हमारे पहला रूल निकालना है, हैश के सामने हमारे पास एरो आएगा, ठीक है। आप ये रूल ना भी निकाले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा, हैश के सामने एरो आएगा, ट्रायंगल के सामने आपके पास सर्कल आ जाएगा और ये डॉलर के पैटर्न के साथ डॉलर के सामने ये वाला पैटर्न आएगा। आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, जैसे मैं 8 से कर लूं 8 देन 9 फिर 7 और 5, बात समझ में आया, तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो डॉलर कहता है मेरे सामने पैटर्न नहीं आना चाहिए, सही है। हैश कहता है एरो नहीं आनी चाहिए, ये गलत तो ये गलत तो ये भी गलत, ठीक है। सेकंड वाले की बात करूं तो यहां देखना ट्रायंगल कहता है सर्कल नहीं हो आसपास तो नहीं है, हैश कहता है एरो नहीं हो आसपास, सही है। लेकिन अब इस पैटर्न को चेक करेंगे हम किसी भी पॉइंट से लेकर कि 5 के बाद हम देखें 8 है बिल्कुल सही है, 8 के बाद 9 है फिर 7 है बिल्कुल सही है, ये पैटर्न सही है इसलिए ये भी सही है। अब इस केस में जाए तो यहां देखना 5 के बाद हमारे पास 7 है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज से सही है। फिर यहां पे देखना कोई पैटर्न नहीं मैच कर रहा है, 5 के बाद 9 ले रहा है, क्लॉकवाइज चले 5 के बाद 8 होना चाहिए, तब उन्होंने क्या ले रखा है 7, ये पैटर्न ही गलत है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा पैटर्न के बेस पे ये गलत हुआ। अब इस वाले केस में जाए तो ए के सामने ये क्या लिखा है मैंने ट्रायंगल होगा, ये देखना ट्रेंगल के सामने हमारे पास सर्कल, ये तो सामने ही आ गया इसलिए ये गलत हो ये गलत, ये इसके सही होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ये भी आंसर गलत हो गया, तो ऑप्शन हमारे पास बी चला जाएगा। तो इतना बताने का जो मेरा मेन इंटेंशन था कि उस पैटर्न को आप समझे, पैटर्न पे अगर जरा सी बदलाव होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, मल्टी च्वाइस में हमारे पास इसी तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। ये तो मैंने दोनों का एक एक क्वेश्चन बना दिया, अब इसके बेस कुछ मिसिंग प्लेस वाला भी क्वेश्चन बना देता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अब मिसिंग सरफेस वाला क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो 4 कंसेक्यूटिव सरफेस का था उसमें मैंने डिटेल में बता दिया कि खाली जगह जब हो तो क्या करते हैं। देखिएगा पहले 2 का बना लेते हैं फिर 3 का चलेंगे। यहां पे मैंने डाल दिया डॉलर, यहां डाल दो ट्रायंगल और यहां डाल दो आप इक्वल, तो 2 खाली सरफेस यहां पे मैंने डाल दिया 1, 5, 7 और 9, क्लियर है। तो मैंने ये डाल दिया, अब यहां पे देखना 2 खाली जगह, पहले मैं 2 का बता देता हूं फिर 3 का बताते हैं। और यहां पे हमारे पास कुछ सॉरी ट्रायंगल का आपके पास फिगर दिया जाएगा, इसे चेक कर लो बी सी एंड डी, ठीक है। अब इसमें किसी में कुछ भर लीजिए, ये डॉलर भर लीजिए, इस वाले में आप चाहो तो पैटर्न डाल दो 1759 ये डाल दीजिए और यहाँ पे आप ट्रायंगल डाल दो, इस वाले में आप डॉलर डाल दो, ये। अब आपसे पूछा गया है तो बताइए इसमें से कौन सा सही कौन कौन सा गलत, हो सकता है एक से अधिक सही हो सकता है एक से अधिक गलत हो, हमें नहीं पता, मैंने भी आपके सामने रैंडम क्वेश्चन बना दिया। अब हम इसे चेक कैसे करेंगे, पहले हम इसके लिए रूल बनाएंगे, हमें पता है कि ट्रायंगल के सामने एक खाली जगह होगा और एडिटिव इक्वल के सामने भी एक खाली जगह होगा, लेकिन कौन सा खाली जगह हमें नहीं पता, और डॉलर के सामने जो एक पैटर्न आएगा और पैटर्न के बारे में अब आपको पूरी तरह से पता है कि यहाँ का आंसर 1, 5, 7 और 9 जाएगा, ठीक है। ये रूल हमारा बनके तैयार हो गया, पैटर्न में भी ध्यान रखना है, अब इसके मिसिंग वाले प्लेस का भी यूज करना है, लेकिन यहाँ पे खाली जगह में हमें कॉन्ट्राडिक्शन है इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं कुछ भर लेते हैं, यानी अब पता चल जाएगा इक्वल के सामने 1 नंबर का आएगा और ट्रायंगल के सामने 2 नंबर का खाली जगह आएगा, इतना करना हमारे लिए जरूरी होता है। अब रूल के अकॉर्डिंग कि आपके पास 2 जगह खाली है तो हर एक जगह 1 और 2 आएगा और ये यहाँ पे बैठेगा, जैसे 2 जगह खाली है तो यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पर भी 1 2 बैठेगा। अगर 2 से अधिक होता तो वहां पे च्वाइस देखना था कि घर वाले किसे पसंद करते बिठाना, अब इसके बाद देख लेंगे। इस केस में 2 लोग हैं, 2 लोगों को मैंने यहाँ बिठा दिया, अब पहले घर वाले से पूछे इससे किसी से प्रॉब्लम है क्या, डॉलर पोला मेरे सामने पैटर्न नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही है, 1 नंबर को 2 से प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये वाला सही है, ऐसा पॉसिबल है बनना। इस केस में बात करें तो ट्रायंगल कहता है मेरे सामने 2 नंबर नहीं आना चाहिए, जबकि 2 खाली जगह है तो ये तो बैठेगा ही, अगर 2 कुर्सी खाली है कहीं पर 2 लोग हैं ही तो दोनों तो बैठेंगे बैठेंगे, लेकिन इससे इसको अपोज हो रहा है क्योंकि रूल कह रहा है, दैट्स व्हाई बी इज रॉन्ग, बी गलत है हमारे पास। इस वाले केस में बात करें फिर से 2 लोग हैं तो 2 लोगों को यहां तो बिठाना ही पड़ेगा हमारे पास,
डॉलर कहता है इस केस में कि मुझे पैटर्न से प्रॉब्लम, ये लो दोनों ऑप्शन सेम हो गया। एक मिनट, यहाँ पे आप डॉलर की जगह इक्वल डाल दीजिए तो आंसर बन जाएगा, ये लो क्लियर है। अब जरा इसे चेक कीजिए, इक्वल डाल दिया मैंने यहाँ पे, वन और टू की बात किया ठीक है। अब इस केस में देखिए यहाँ पे इक्वल क्या कहता है, मेरे सामने वन को मत रखो, ये रहने से इसको प्रॉब्लम है, यानी कि ये दोनों पैटर्न गलत है, ओवरऑल ये भी गलत हो जाएगा। से की बात करें तो देखिएगा, वन दो एक दूसरे को अपोज नहीं करता, ना ही ये पैटर्न डॉलर का अपोज करता है, लेकिन ये पैटर्न सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखना नाइन से अगर मैं स्टार्ट करूं, नाइन के बाद एक, देन यहाँ पे फाइव होना चाहिए, यानी कि ये पैटर्न ही गलत है, बाकी चीजें से तो लेना देना है नहीं, इसलिए ये वाला गलत हो गया, हमारा आंसर ए पे चला जाएगा। बात समझा, ये चीजों को ध्यान में लेकर चलना, पैटर्न काफी मायने रखता है थ्री कंसेक्यूटिव वे में, अगर इसमें अगर थोड़ा भी पैटर्न गड़बड़ी हुआ, अभी देखना अगर मैं इस पैटर्न को नहीं बताया होता तो आंसर आप कई लोग सही बोल दिए होते हैं, क्योंकि एक और दो को तो किसी से प्रॉब्लम नहीं है, और इस पैटर्न के सामने डॉलर नहीं है तो आंसर हो सकता था, लेकिन पैटर्न के कारण ये गलत हो गया, तो इसका आंसर आपका ये चला जाएगा। अब मैं आपको तीन खाली जगह का बता देता हूं, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारे पास। ये देख लो, अगर मैं तीन खाली जगह की इस केस में बताऊं, आप चाहो ट्रेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं स्क्वायर शेप ले रहा हूं, आप ट्रेंगुलर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल सेम होगा। यहां डाल दीजिए आप एरो, यहां ट्रेंगल डॉलर, अब यहां पे डाल दीजिए आप दो चार छ एंड थ्री कर लीजिए, क्लियर हो गया, मैंने ये डाल दिया। अब यहां पे दो खाली, एक और हटा दीजिए, तीन खाली जगह हो जाएगा, एक दो तीन, ठीक है। अब यहां से फिर आप चार ऑप्शन बना लो, ए बी, अब यहां पे चेक करने वाली बात हो जाएगी, सी एंड डी, ये कुछ है। अब यहां पे देखना सबके सामने कुछ भर लीजिए, डॉलर है और यहां पे पैटर्न डाल देता हूं मैं, चार छ तीन दो, ये लो क्लियर। अब आपसे पूछा गया है तो बताइए इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत। अब ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि चार से ज्यादा खाली जगह दिया ही नहीं जा सकता, अगर देता भी तो क्या करेगा, क्योंकि सर्फेस तो तीन ही खाली होते हैं। अब हम इसे चेक करेंगे, लेकिन अब पहला काम क्या है, हमें इसे रूल पे लाना, अपोजिट रूल की बात करूं, डॉलर के अपोजिट हमारे पास एक खाली जगह होगा, कौन सा भी फिलहाल नहीं पता। अब यहां देखना, ये खाली जगह के सामने दूसरा एक और खाली जगह होगा, लेकिन कौन किसके सामने होगा नहीं पता। इक्वल के सामने अगर मैं बात करूं तो ये पूरा पैटर्न जुड़ के आएगा, तो मैंने यहां पे डाल दिया दो चार छ और तीन, ये चीज है, हमने रूल बना लिया। अब इसी रूल पे अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन सा खाली जगह कहाँ है, यहाँ पे कुछ भर लीजिए, एक दो तीन, यानी एक के सामने दो नंबर आएगा, डॉलर के सामने तीन नंबर का खाली जगह आएगा, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा कि कौन सा खाली जगह कहाँ है तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा किसके अपोजिट हो जाता, पता नहीं कर पाते। जैसे एक क्लास में बहुत सारी कुर्सियां रखी हैं, आप उसमें बैठ गए सारे एक तरह की, आपको मैंने दो मिनट के लिए बाहर किया, फिर मैंने कुर्सियों को पजल कर दिया, फिर कैसे पता चलेगा कि आप कौन से में बैठे थे। तो उसका उपाय क्या है, आप जाते जाते उस कुर्सी में कुछ लिख देते हैं, वही काम तो मैंने भी किया है कि मैंने इस कुर्सी में कुछ मार्क कर दिया, तो मैं पता चल गया कि जहां पर भी खाली जगह होगा ये तीन लोग आएगा, लेकिन कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा वो घर वाला डिसाइड करेगा। यानी अब यहाँ पे दो कुर्सी खाली जगह है तो ये तीनों लोग आएगा, क्योंकि हम तीन लोगों को बुलाए हैं बैठने के लिए, तो जहां जहां कुर्सियां खाली होंगी वो तीनों तीनों एक साथ आएंगे। लेकिन इन तीनों में, ये दो कुर्सियों में कौन बैठेगा, पहला डिसाइड कौन करेगा, घर वाला, यानी जो घर वाला मेंबर्स है, हम उससे पूछेंगे कि भाई आपको इन तीनों में से किसी को प्रॉब्लम, क्योंकि तीन लोग हैं दो ही कुर्सियां हैं, तो डिसाइड करेगा घर वाला कुर्सी किसे देना है, अगर जिससे प्रॉब्लम होगा उसको हटा देगा। डॉलर कहता है मेरे सामने तीन नंबर का नहीं होना चाहिए, मैंने हटा दिया, क्योंकि डॉलर यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि घर वाले को प्रॉब्लम है तीन नंबर के व्यक्ति से, तो बैठेगा कौन, एक और दो। और जैसे एक दो बैठा तो ये वाला रूल अपोज कर गया, यानी तीन नंबर नहीं बैठता, अगर वन टू बैठता है तो ये दोनों से ये गलत हो जाता है, यानी कि ये भी गलत है। बात समझ में, इस केस में भी हमारे पास तीन लोग हैं, तीनों लोग यहाँ बैठने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये डिसाइड करेगा कि किसे बैठाना है किसे नहीं बैठाना। इक्वल कहता है मेरे सामने पैटर्न नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं ये सही है, अपनी जगह पे पैटर्न नहीं आना चाहिए, यानी अब ये घर वाला है इसको कोई मतलब नहीं है, तीन लोग हैं अब आप लोग खुद डिसाइड करके बैठ जाओ, क्योंकि इसे प्रॉब्लम सिर्फ पैटर्न से था, तो ये पैटर्न तो है ही नहीं, ये सही है। अब ये इक्वल कहता है कि आप तीन लोग हो, आप लोग खुद ऐसी इस तरह से मैनेज हो जाइए कि आप दोनों में विवाद ना हो, आप तीनों लोगों में, मेरे पास दो ही कुर्सियां खाली है, तो अब ये तीनों अपने आप में डिसाइड करेगा। एक दो कहता है भाई आप बैठोगे तो मैं नहीं, मैं बैठूंगा तो आप नहीं, तो एक को मैं यहाँ पे बिठा लेता हूँ, इन दोनों में से किसी एक को बिठा लिया, एक को, और एक में मैंने तीन को बिठा दिया,
क्यों? क्योंकि एक दूसरे अपोज करता है, कहता है कि भाई आप बैठोगे तो मैं नहीं, मैं बैठूंगा तो आप नहीं, तो कोई बात नहीं किसी एक को बिठा लेते, तो दूसरे में मैंने तीन को बिठा दिया, क्या इन दोनों से वॉयलेशन हो रहा है? एक के सामने दो नहीं आया, तीन के सामने डॉलर नहीं आया, हमारा आंसर सही है। आप चाहो यहाँ पे एक की जगह दो भी बिठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही होगा, समझना है, क्योंकि मालिक को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो मर्जी वहां बैठ जाओ। इस वाले केस में बात करें तो पहले पैटर्न को देखें, दो के बाद आपके चार हैं, छह और तीन है, पैटर्न बिल्कुल सही है, फिर से एक दो तीन ये आएगा, और अब यहाँ पे कौन बैठेगा पहले इससे पूछेंगे, इसे सिर्फ इक्वल से प्रॉब्लम है, इक्वल नहीं है सही है, फिर ये कहेगा कि आप लोग खुद डिसाइड करके यहाँ पे बैठ जाओ, तो एक दो को प्रॉब्लम है, तो इन दोनों में से किसी एक को बिठा दो, मैंने दो को बिठा दिया और दूसरी जगह मैंने तीन को बिठा दिया, तो इन दो से को ना तो तीन से प्रॉब्लम है, तीन को ना तो दो से प्रॉब्लम है, ये वाला सही, तो ये भी सही, ओवरऑल सी सही हो जाएगा। और यहाँ बात करें तीन लोग कुर्सियां खाली है तो तीनों लोग बैठेंगे, आप किसी को मना नहीं कर सकते, तीन के कुर्सियां खाली, एक घर है जिसका कोई मालिक नहीं है, तीन कुर्सी लगी है, अब तीन लोग गए, तीनों बैठ गए, लेकिन एक दूसरा, एक और दो एक दूसरे को अपोज कर जाएगा, जिससे ये गलत हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास सी एंड बी पे चला जाएगा, बात समझा? तो इसे नॉर्मल वे से समझना, बुकिस्ट मेथड में काफी टफ बताया गया है, इस तरह से करेंगे तो आंसर इजी बन जाएगा, क्लियर हुआ? इसको हमने थ्री कंसेक्यूटिव वेव का ट्रेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप को देख लिया, अब आइए लिनियर शेप को देख लेते हैं, तो फिर डाइस का ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। देखो लीनियर शेप की बात करें तो लीनियर में हमारा थर्ड स्टेप का कॉन्सेप्ट था, लीनियर शेप वो इस तरह से था, ये सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं होता, ये इसमें मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दी, इसे कहते हैं लीनियर शेप, आप चाहो इसे वर्टिकल भी बना सकते हैं, ये मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया। अब इसके कुछ रूल्स हैं वो देख लीजिए, अपोजिट रूल ए बी सी डी ई और एफ, इसमें भी खाली जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम क्वेश्चन जरूर करेंगे एक। अब यहाँ पे बात करूं तो यहाँ देखना, इस केस में ए के अपोजिट सी होगा, क्लियर है, यहाँ से चले एक छोड़ो, ठीक है, बी से आगे नहीं जा सकते तो बी को दो मिनट के लिए होल्ड कर लो, डी से चले, डी के बाद ई छोड़ो, एफ हो जाएगा अपोजिट, फिर बी के बाद ई अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे का, यानी ये मेरा अपोजिट रूल बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से कुछ आपके पास क्वेश्चन बना दे दिए जाएंगे, ये लो सिंपल क्वेश्चन एक देख लीजिए, फिर मैं आपको थ्री मिसिंग प्लेस का बता दूंगा, बी सी इस तरह से बना दिया जाएगा एंड डी, और कुछ वैल्यू यहाँ पे डाल लीजिए जो आपको पसंद है, यहाँ पे मैंने एंड डाल दिया बी ई डी, यहाँ मैंने डाल दिया सी डी एफ, यहाँ डाल दिया मैंने सी एफ ई, और इसमें डाल दिया मैंने ए डी सी, ये लो। अब आपसे पूछा गया बताइए इनमें से कौन सा है, तो हमने लीनियर का रूल बस ध्यान में रखना है, ए के सामने अपोजिट, ए का अपोजिट बी होगा, डी का अपोजिट एफ होगा, और ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, इस रूल को ध्यान नहीं चलना। इस केस में बात करूं तो देखिएगा, ए सी को अपोज करता है, ये दोनों सामने आ गए, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। इस वाले में काम बात करें तो सी के सामने ए नहीं आया सही है, एफ के सामने डी नहीं आया सही है, ई के सामने बी नहीं आया सही है, ओवरऑल बी ऑप्शन सही है। इस वाले केस में बात करें बी के सामने ई आ गया, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि रूल कहता है दोनों अपोजिट है, एक साथ नहीं होना चाहिए। एक बार ये ना आप प्रीवियस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, तो जो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ये भी समझ में आ जाएगा आपको। सी के सामने आपके पास ए नहीं है सही है, डी के सामने एफ नहीं होना चाहिए लेकिन ये है, इसलिए ये गलत हो गया, आंसर हमारे पास बी चला जाएगा। तो ये मैंने लीनियर थ्री कंसेक्यूटिव सरफेस का एक इक्वेशन बता दिया, अब इसमें भी मिसिंग प्लेस आता है तो एक मिसिंग प्लेस करके देख लेते हैं। देखिए यहां पर ये हमने क्वेश्चन बना लिया, इसमें मैं डायरेक्टली तीन मिसिंग प्लेस वाला बना देता हूं, ये देख लो, यहां मैंने इक्वल डाल दिया, एरो डाल दिया, और यहां मैंने ट्रायंगल डाल दिया, सॉरी डॉलर डाल दिया। अब यहां से चार ऑप्शन बना लेते हैं कोई, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा ही कौन सा गलत, और याद रखना कि क्वेश्चन हमेशा मल्टी चॉइस का होता है, मल्टी ऑप्शन के साथ साथ मल्टी चॉइस भी हो जाएगा, तो हमें हर एक चीजों को ध्यान में देखने चलना है कि एक भी छूटे नहीं, क्लियर है? आप कुछ भी भर लीजिए, यहाँ डॉलर भर लीजिए, एरो भर लीजिए, और यहाँ पे इक्वल भर लीजिए, उसे खाली रहने दीजिए, ये तो मैक्सिमम कर सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। अब इस केस में बात करें तो हमें यहाँ पे नहीं पता, हमें रूल बनाना है, तो फिर इन सरफेस में हमें कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, मैंने भर दिया, तो एडिटिव बनाइए, इक्वल के सामने हमारे पास एक नंबर का सरफेस आएगा, एरो का भी हमने नहीं पता, डॉलर के हमारे पास तीन नंबर का सरफेस आएगा, और एरो के सामने हमारे पास दो नंबर का सरफेस आएगा, ये लीजिएगा, क्लियर है, मैंने रूल बना लिया, समझना। अब इसको अप्लाई करके देखेंगे, अब तीन खाली जगह थे, तीन लोगों को हमने बुलाया है, तो जहां जहां खाली जगह दिखेगा इसे, ये तीनों एक साथ आएंगे, लेकिन हम डिसाइड करेंगे कि कौन बैठेगा कौन नहीं,
अगर जिससे डिस्टर्बेंस होता है उसको हटा देंगे। जैसे यहाँ पे दो खाली जगह है तो तीनों आएगा एक साथ, क्योंकि तीनों को मैंने घर पे बुलाया है इस कारण से। अब पहले डिसाइड करेगा इक्वल, इक्वल को पूछो तो इक्वल बोलता है मेरे को एक से प्रॉब्लम है, एक को हटा दो, क्योंकि पहले घर वाला डिसाइड करेगा कि किसे बिठाना। नॉर्मल सी बात है भाई, रियल लाइफ में हम तीन लोग गए, घर में आपके दो कुर्सियां आई हैं, अगर आपको मेरे को प्रॉब्लम, मेरे से प्रॉब्लम है तो मुझे कभी चेयर सर्व नहीं करोगे, हटा दोगे, वही काम। इक्वल कहता है कि मैं एक को पसंद नहीं करता मेरे सामने आना, क्योंकि मैं अपोजिट हूं इसका, तो ये यहाँ पे इन दोनों में से एक को हटा दे, बाकी दो और तीन, दो तीन एक दूसरे को अपोज करता है, बिल्कुल नहीं करता, यानी कि ए आंसर सही है। बी वाले में देखे, देखो तीन लोग हैं, तीन कुर्सियां खाली है, कोई घर में बोलने वाला है नहीं, तो तीन लोग चुपचाप बैठ जाएगा। जहर सी बात है, हम तीन गए, आपके घर में कोई था नहीं, हमने डोर नॉक किया, कोई निकला ही नहीं, तो तीन कुर्सी खाली थी, हम चुपचाप बैठ गए। तो लेकिन अब हम चेक करेंगे कि इनसे किसी से अपोज हो रहा है, एक के सामने इक्वल नहीं है सही है, दो के सामने एरो नहीं है सही है, तीन के सामने डॉलर नहीं है सही है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस वाले में वो एक दो तीन, तो अब यहाँ पे कौन बैठेगा, अब तो घर वाला है, पहले घर वाले से बात करो। एरो कहता है मेरे सामने दो नंबर नहीं होगा, हटाओ, क्योंकि दो नंबर डालेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि ये पॉसिबल नहीं बनेगा। तो एक तीन को बिठाओ ना, तो एक से किसी को प्रॉब्लम नहीं, तीन को भी प्रॉब्लम नहीं, एक के सामने इक्वल नहीं, तीन के सामने डॉलर नहीं, आइडेंटिटी ये भी सही हो गया। फिर एक दो तीन, अब घर वाला मालिक कौन है, डॉलर है, डॉलर से पूछिए, डॉलर बोला मेरे सामने तीन मत बैठाओ, मैंने हटा दिया, एक दो तो बैठेगा, एक से के सामने एरो नहीं आया, दो के सामने, एक के सामने इक्वल नहीं आया, दो के सामने एरो नहीं आया, इसलिए ये भी सही हो गया। तो ये हमारे पास लीनियर का स्ट्रक्चर था। तो ये आपके पास मैंने काफी लो लेवल से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चन बता दिए, हमारे सिलेबस में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप टोटली फ्री हैं डाइस के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। मैंने इसे लगभग फोर वीडियो में कवर किया है, फोर टू फाइव वीडियो में कवर किया है। आप पहले डाइस के क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए और लास्ट वाले लेक्चर तक देखिए, और उसके बाद जो मर्जी हो, जैसा मर्जी हो, अपने बुक उठाइए, जहां से क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते कीजिए और सोल्यूशन कीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे लिख के भेज दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपका, ठीक है। और हाँ, वीडियो ये चीजें अच्छी लग रही हो और किसी और टॉपिक के बारे में बनाना भी हो तो जरूर बता देना, ठीक है, चलिएगा। अब तो हमारे में हमने इसे पूरे टाइप्स के कवर कर लिए, लेकिन कुछ डायग्राम जो है वो मिसलेनियस बनाए गए थे, ऑल्दो इसके ऐसे क्वेश्चन काफी कम देखने को मिले गए मिलते हैं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ये देखो ऐसे भी क्वेश्चन एक बार बनाए गए हैं, तो इसके बारे में भी समझ लीजिए, हल्का है, ज्यादा टफ नहीं है ये। जैसे मैंने डाल दिया ए बी सी डी ई एंड एफ, तो यहाँ पे अपोजिट रूल मेन है, क्योंकि यहाँ पे कंसेक्यूटिव रूल का इस्तेमाल नहीं होता, इसे मिसलेनियस कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को मिसलेनियस या विविधता पर आधारित कहते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉजिकल व्यू देखना पड़ता है। इस केस में देखिएगा, ए के अपोजिट जो है वो डी होता है, क्लियर है, इस तरह से ऐसे, और सी के अपोजिट जो है हमारे पास वो एफ होता है, और बी के अपोजिट जो है हमारे पास ई हो जाएगा, क्लियर है। ये रूल को ध्यान में लेकर चलना, सिर्फ रूल नहीं तो करना है, बाकी आपको पता है क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं आप। बस ये एक क्वेश्चन था जो एक बार पूछा गया था, इसे भी मैंने आपको करा दिया। सी डी, अब देखना इसके अंदर कुछ भी भरा जा सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंडेटरी नहीं है कि कुछ भी डाला जा सकता है। आप कभी कभी फ्रूट्स के नाम भी, ये क्वेश्चन जब आया था इसके अंदर फ्रूट्स के नाम डले हुए थे, इसमें एप्पल बनाना ऐसा दिया हुआ था। तो अब देखना यहाँ पे कुछ भी डाल दो, ए बी सी सी डी ई, और इस केस में ले जाइए सी डी एफ, यहाँ पे चले जाओ आप सी ई एफ, ये लीजिए, ठीक है। अब इसे मैच करके देखेंगे, यहाँ पे बस इस रूल को बनाना जरूरी था, यहाँ पे कंसेक्यूटिव रूल गलत हो जाता है, क्योंकि कंसेक्यूटिव कहता है सीधा चलो, एक को छोड़ के दूसरा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंसेक्यूटिव तो है नहीं, इसलिए इस रूल को आपको थोड़ा माइंड में लेके चलना पड़ेगा। इसको चेक करें, ए के सामने डी नहीं आना चाहिए सही है, बी के सामने ई नहीं आना चाहिए सही है, सी के सामने एफ नहीं आया सही है, यानी ये ओवरऑल सही है। इस केस में बात करें, सी के सामने एफ नहीं आया सही है, डी के सामने ए नहीं आया सही है, ई के सामने बी नहीं आया सही है, ये भी सही है। इस वाले में बात करें, सी के सामने एफ नहीं आना चाहिए, ये आ गया तो ये गलत है, बाकी चेक नहीं करना, और ई के सामने बी नहीं आना चाहिए सही है, एफ के सामने सी नहीं आना चाहिए, ये आ गया, इटमीन्स ये गलत है। तो ये हमारे पास पूरा, मैंने आपको ओपन डाइस का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थ्री कंसेक्यूटिव और फोर कंसेक्यूटिव को तरीके से बता दिया। अब आप टोटली फ्री है किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी टर्म्स में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, क्लियर है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।